हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो क्रैश टेस्ट के ऊपर होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये किस टीम का क्रैश टेस्ट हुआ है जो एनकैप ने आज ऑफिशियली बाहर कर दिया है कि उनके स्कोर्स क्या है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबल एनकैप है जो क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग देती है, तो उन्होंने आज तीन कार के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, आउट कर दिए हैं। तो मैं उनके पिक्स आपको डाल दूंगा, उनको क्या रिजल्ट मिला है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो तीन कार है उनका टेस्ट, जो तीन कार है जिनका टेस्ट हुआ था, उनका नाम है किया सेल्टॉस, ह्यूंडई i10 नियोस और आपकी मारुति एस्प्रेसो। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको किया सेल्टॉस का सबसे पहले आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या हुआ। जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको किया सेल्टॉस मिलती है, जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है एक बार फिर, तो उसको 5 स्टार रेटेड हुए थे एनकैप से। बट जो इंडियन मार्केट में अभी आ रही है किया सेल्टॉस इंडियन मार्केट में, उसको हमारे देश में जो आ रही है उसको यहाँ पे 3 स्टार मिले हैं 5 में से। उसको 2 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में और 3 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट में। आइसोफिक्स का थोड़ा सा उसमें वो था, तो 3 स्टार उसको मिले हैं किया सेल्टॉस को। किया सेल्टॉस 5 स्टार रेटेड कार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंडिया में आपको किया सेल्टॉस 5 स्टार रेटेड कार नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात दूसरी कार के ऊपर ले चलता हूँ। तो दूसरी कार है आपकी यहाँ पे i10 नियोस, ह्यूंडई की i10 नियोस, जो आपको ह्यूंडई सेंट्रो और जिसपे ह्यूंडई i20 बनी है उसके ऊपर ये बनी है, वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर i20 ये वाली बनी है नई वाली, और जो ह्यूंडई सेंट्रो बनी है उसी पे i10 नियोस भी बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो i10 नियोस है उसका भी आ चुका है, तो उसके रिजल्ट्स है 2 स्टार आउट ऑफ 5, 5 में से 2 स्टार मिले हैं और 2 स्टार अडल्ट सेफ्टी रेटिंग, 2 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। तो इसका तो आप अपना वो उससे सोच सकते हैं कि नियोस को क्या प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको जो पहले यूट्यूबर्स बोलते हैं थोड़ी थोड़ी सेफ्टी थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस, वो उसमें अब नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टार, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। 2 स्टार कुछ भी नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है 3 स्टार तक ठीक रहता है कि 3 स्टार आपका ओके, बट 2 स्टार आपका ओके भी नहीं है। तो ये आप जो थोड़ी थोड़ी सेफ्टी उसमें नहीं है नियोस में। और तो आपके पास थर्ड और सबसे सरप्राइजिंग कार आपके पास आती है मारुति की तरफ से एस्प्रेसो। मारुति की ये न्यू लॉन्च एस्प्रेसो यानी न्यू कार थी एस्प्रेसो, जो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो मैं उसका क्रैश टेस्ट रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो वहां पे आपको एस्प्रेसो को 0 स्टार मिले हैं, 0 स्टार रेटेड है एस्प्रेसो मारुति की तरफ से। तो इट्स अ हार्टेक प्लेटफॉर्म, मारुति का सबसे ज्यादा सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। बट जिस प्राइस रेंज में एस्प्रेसो आ रही है उससे हम लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो बट जिस पे न्यूज आ रही थी उस पर मैं डिसअपॉइंट हूँ कि उसको 2 स्टार कैसे मिले, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रो और आपको i20 पे भी यही आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो i20 का भी हम लोग 2 स्टार रेटेड समझे, सेंट्रो को तो 2 स्टार मिल ही चुके हैं और यहाँ पे नियोस को भी वही सेम 2 स्टार मिले, तो i20 का देखते हैं कितना स्टार आता है, कितना रेटेड करती है। बट एस्प्रेसो को अभी फिलहाल सबसे कम मिला है तीनों गाड़ियों में से, 0 स्टार रेटेड कार पूरी तरीके फेल हो चुकी है एस्प्रेसो। तो सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं तीनों कार्स में से किया सेल्टॉस ने, वो 5 स्टार रेटेड कार नहीं रही। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में 5 स्टार है, बट इंडिया में वो 3 स्टार रेटेड कार है, रिमेम्बर दिस। एंड सेकेंड नंबर पे आपकी आती है सेफेस्ट में, तो नियोस आती है आपकी 2 स्टार के साथ सेफ, क्या वो तीनों की कैटेगरी में से आप देख सकते हैं वो सेफ नहीं है, तो ओके भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको नियोस 2 स्टार के साथ आती है, 2 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग और अडल्ट सेफ्टी रेटिंग दोनों में 2 2 स्टार आई है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं एस्प्रेसो सबसे नीचे आई है, सबसे खराब परफॉर्मेंस किया उसने, 0 स्टार 0 स्टार चाइल्ड और अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में। तो ये वीडियो इसीलिए था आपको क्रैश टेस्ट रेटिंग बताने के लिए। आज मेरी ये वाली वीडियो और एक पहली वीडियो आउट हो चुकी है, तो वो भी आप देखिएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स, बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।